नारा ढोल बज रहे हैं, आप मैं ढोल वालों को पीछे मत लाइए अपने। नहीं ढोल तो खुशी के। और एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर देखिए, ये एग्जिट पोल की ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं, पोल स्टार्ट का ये एग्जिट पोल मध्य प्रदेश महा एग्जिट पोल जारी है। पोल स्टार्ट का एग्जिट पोल कुछ ही वक्त में आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, ये हम आपको बताएंगे। पोल स्टार्ट का अनुमान भी आ गया है, कांग्रेस को 111 से 121 सीट इस सर्वे के मुताबिक, बीजेपी को 106 से 116 सीट यहां पर बता रहा है ये एग्जिट पोल का अनुमान। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है, ये एग्जिट पोल कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो वहां एग्जिट पोल लगातार जारी है, बीजेपी को मिल सकती है 116 सीट, 116 का ही जादू आंकड़ा, कांग्रेस को मिल सकती है 111 सीट, आंकड़े भी अब धीरे धीरे महा एग्जिट पोल के। अन्य को यहां पर तीन हो गई, पांच छह और अब तीन, तीन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो ये महा एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल से भी महा एग्जिट पोल है जो बता रहा है कि क्या है नंबर बीजेपी को, वो जादू आंकड़ा लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आंकड़े पर। हाँ, बिल्कुल आंकड़े पर। हालांकि अन्य को तीन सीटें मिलने की बात कही जा रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, महा एग्जिट पोल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग, किसने क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। टैली जानकारी की खिड़की खुली हुई है आपकी स्क्रीन पर, जन की बात क्या कह रहा है, सीएनएक्स क्या कह रहा है, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने लगे हैं, महा एग्जिट पोल सीएनएक्स हो गया, एक्सेस माय पोल हो गया, एक्सेस माय इंडिया, और अब ये महा एग्जिट पोल, कांग्रेस को 111 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, अन्य को तीन सीटें और बन सकती है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। तो इसी तरह से लगातार आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं, महा एग्जिट पोल लगातार जारी है, बीजेपी को 116 सीट मिलने की बात कही जा रही है, ये एग्जिट पोल है, 3 तारीख का सबको इंतजार कर रहे हैं, 3 तारीख को एक एक सीट भी हम रिकॉर्ड करेंगे कहां क्या वजह रही। और अभी लगातार बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो तमाम चीजों को डिकोड करते हुए चल रहा है, समझाते हुए चल रहा है। रुद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जी रुद्र जी। छत्तीसगढ़ में देखिए कांग्रेस कभी भी बहुत बुरी स्थिति में नहीं थी, आप अगर हम 2008 को देखें तो भी 38 सीटें थी, 2013 को देखें तब भी उनकी 39 सीटें थी, अभी भी जो जो आंकड़ा उनका ठीक ठाक दिख रहा है एग्जिट पोल में वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस वहां पे कभी हमें बुरी स्थिति में नहीं थी, मतलब एकदम नहीं था कि 10 सीटें आ जाए 5 सीटें आ जाए, तो इसलिए वो आंकड़े दिख रहे हैं। लेकिन जब जब ये चुनाव परिणामों में परिवर्तित होंगे जो एग्जिट पोल, तब आप देखेंगे कि वहां पे ये वही 30-35 सीटों पर आके सिमट जाएंगे और भाजपा की सरकार वहां पे बनेगी, क्योंकि ये हमेशा से ट्रेंड रहा है छत्तीसगढ़ का कि वहां पे कुछ रीजन्स में कांग्रेस की पकड़ अच्छी रही है, कांग्रेस हमेशा वहां पे नंबर्स आते रहे हैं तो वो नंबर्स उनके आएंगे वहां पे, इसीलिए। और हमेशा जो एग्जिट पोल होता है वो देखिए 10-5 सीटों का इधर उधर होता है क्योंकि बहुत, यानी कि इस बार आप कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आपका अगर अगर ये लहर जो जैसा हमारे भाई बता रहे हैं कि लहर और करंट वाली बात होती, तो अगर लहर करंट होता तो वो 55 और 60 सीटें आप दिखाते, ना कि ये 40-45 30-35 सीटों का, जो अगर आप ये मान रहे हैं कि अगर आप 30 से 40-45 सीटों के बीच का है तो बिल्कुल आप इस एग्जिट पोल के हिसाब से बिल्कुल कह सकते हैं कि वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही है। जवाब साहब, लहर और करंट के निशान की तो लहर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जबान में जो जहर था उसको देश की जनता और प्रदेश की जनता जो है वो नकार चुकी है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा, कहर नहीं बोला आपने, मुझे लगा राइम कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो जो जबानी जहर खास तौर से बड़े बड़े नेताओं का देखने को मिलता है चुनावों के अंदर, उस जहर को जो है वो प्रदेश की जनता और जो है देश की जनता नकार रही है, लेकिन हाँ कांग्रेस की जो लहर है, राहुल गांधी जी की जो आंधी है, उसको भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर पा रही है। आप लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर जवाब साहब आपसे है, ये तो कहा गया विरोधियों की ओर से कि अगर इतना ही विश्वास होता तो फिर क्यों नहीं उसी तूफानी अंदाज में राहुल गांधी का प्रचार देखने को मिला हमें, नहीं बहुत कम क्यों दिख देखने नहीं, को मिला? किसने कहा कम देखा, दिखाया जाता तो देखने को मिलता। राहुल गांधी साहब ने आप बताइए भारत जोड़ो यात्रा को किसने दिखाया, किसने कवर करा भारत जोड़ो यात्रा को,
और जवाहर बार बार जब जिक्र करते हैं देश के अंदर प्रचार की बात कर रहे हैं अंदर इस तरीके का कीर्तिमान जो स्थापित कर दिया राहुल गांधी साहब ने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करी आज तक कितने बड़ा चढ़ा करके दिखाया कितनी कवरेज दिखाई गई राहुल गांधी जो उन्होंने सवाल खड़े करे मध्य प्रदेश के अंदर राजस्थान के अंदर छत्तीसगढ़ जो उनको जन समर्थन मिल रहा था उसको दिखाना लोग नहीं चाह रहे चलिए जवाब देखिए यही तो लहर है यही लहर है भारत जोड़ो से आगे चलते हैं मध्य प्रदेश जोड़ो तक पहुंचते हैं ठीक सूर्या साहब जवाब आपकी जो सुई है ना वो भारत जोड़ो तक ही टिकी हुई है और वहीं अड़ी रहेगी एक व्यक्ति जो कि 52-53 साल का हो गया हो उसको अब जाकर भारत की मिट्टी में कदम रखने का मौका मिला वो अब जाकर देश के हिस्सों को देख रहा हो इससे बड़ा तो कोई